आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर दहाड़ रहा है। दमदार हेलीकॉप्टर चिनूक हुंकार भर रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहा है। C-130J सुपर हरक्यूलीज गरज रहा है। जमीन पर T-90 भीष्म टैंक उचाले भर रहा है। यह है चीन बॉर्डर का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG। हर वक्त तैयार, हर वक्त मुस्तैद। पहली बार कोई चैनल चीन सीमा के सबसे पास बने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचा। चीन सरहद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर नियोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर हम भारतीय वायुसेना का स्पेशल ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। चिनूक, अपाचे और Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो स्लिदरी के जरिए नीचे उतर रहे हैं और इस तरह से इस 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस खास ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चीन सरहद के बेहद नजदीक इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के गरुड़ कमांडो एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। MI-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमान से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। गरुड़ कमांडो के जरिए और दूसरे खास तौर से 14,000 फीट जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से 16,000-18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पर हमारे जवान पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से तैनात हैं, उनको हथियार राशन पहुंचाने का काम कर रही है। लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब आपको चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत से रूबरू कराते हैं। ये एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर अमेरिकी कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे। वियतनाम से लेकर इराक के युद्धों तक शामिल चिनूक दो रोटर वाला हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी निभा रहे हैं। चिनूक ने 1962 में पहली उड़ान भरी। भारत के पास जो चिनूक है उसका नाम है CH-47F। ये 9.6 टन का वजन उठाता है। इसमें भारी मशीनरी, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इसकी दूसरी खासियत है इसकी तेज गति। का मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर चिनूक उड़ान भर रहा है, यहाँ पर लैंड हुआ है और ये अमेरिका का बना मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो बड़े हथियार और सैनिकों को ऊंचाई और बड़े मुश्किल इलाकों में ले जाने में कामयाब होता है, स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम होता है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो गरुड़ कमांडो हैं, वायुसेना के स्पेशल कमांडो हैं, वो इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर से बाहर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। अपाचे भी दमदार हेलीकॉप्टर हैं। 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए दो पायलट होना जरूरी है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए दो इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, 280 किलोमीटर प्रति घंटे। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। हथियार की बात करें तो 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता, हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाई रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 3 घंटे तक उड़ सकता है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। इस वक्त 14,000 फीट की ऊंचाई पर नियोमा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा है और यहां पर भारतीय सेना के जो जवान तैनात हैं 14,000, 16,000 और 18,000 फीट की ऊंचाई पर, उनके लिए भारतीय वायुसेना का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है लगातार यहाँ पर उड़ान भरता रहता है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर C-130J सुपर हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशन विमान भी उड़ान भर रहा है। आने वाले दिनों में नियोमा के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते नजर आएंगे। अब हम आपको वायुसेना के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर
दुनिया का सबसे ऊंचा एटीसी दिखाते हैं। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैनात किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट होने के कारण न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का रणनीतिक महत्व है। यह ले हवाई क्षेत्र और एलएसी के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है। यह पूर्वी लद्दाख में आवाजाही को सक्षम बनाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ऊंचाई पर कब्जा करने वाली ताकतों को फायदा देता है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाता है। यह न्योमा की पूरी आबादी एवं बलों के संचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। भले ही लद्दाख सरहद पर भारत चीन की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर आ रही हों, लेकिन एलएसी पर सेना मुस्तैद तैयार है। दुश्मन को हर गुस्ताखी पर मिलेगा करारा जवाब। मंजीत नेगी, न्योमा, आज तक।